नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता में रहते हुए 8 साल हो गए हैं और इस दौरान उनकी सरकार ने सेना में बदलाव को लेकर कई कदम उठाए हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में सेना में 5 बड़े बदलाव किए हैं। ये वो बदलाव हैं जिन्हें सेना की मरम्मत के तौर पर देखा जा रहा है। सेना में नई भर्ती योजना अग्निपथ का देश में कई राज्यों में विरोध हो रहा है, तो वहीं केंद्र सरकार की इस योजना का विरोध करने के लिए युवा सड़कों पर उतर आए हैं। वे रेल और अन्य सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार की इस नई योजना को सेना में बड़े बदलाव के तौर पर माना जा रहा है, लेकिन ये कोई पहली स्कीम नहीं है जिसे मोदी सरकार सेना के लिए लाई है। नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता में रहते हुए 8 साल हो गए हैं और इस दौरान उनकी सरकार ने सेना में बड़े बदलाव किए हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में सेना में 5 बड़े बदलाव किए हैं। वहीं वन रैंक वन पेंशन सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने सेना में जो सबसे पहला बदलाव किया था वो था वन रैंक वन पेंशन का। 7 नवंबर 2015 में वन रैंक वन पेंशन का नोटिफिकेशन जारी हुआ। सरकार की ये योजना अलग अलग समय पर रिटायर हुए एक रैंक के फौजियों की सम्मान के लिए लाया गया। वन रैंक वन पेंशन को 1 जुलाई 2014 से लागू किया गया। तो वहीं CDS की नियुक्ति मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को नियुक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान कहा था, हमारी सेनाएं भारत का गौरव है। तीनों सेनाओं के बीच समन्वयन को और तेज करने के लिए मैं लाल किले से एक बड़े फैसले की घोषणा करना चाहता हूँ, भारत में एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा। सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को नियुक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान कहा था, हमारी सेनाएं भारत का गौरव है। तीनों सेनाओं के बीच समन्वयन को और तेज करने के लिए मैं लाल किले से एक बड़े फैसले की घोषणा करना चाहता हूँ, भारत में एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा। इसके बाद 24 दिसंबर 2019 को इस पद का गठन हुआ। जनरल विपिन रावत को देश का पहला CDS नियुक्त किया गया। उनकी पिछले साल दिसंबर में विमान हादसे में मौत हो गई थी। मोदी सरकार ने 9 अगस्त 2020 को सैन्य सामानों में 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट के विदेश से खरीदने पर रोक लगाई। आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी सामानों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया। नए थिएटर कमांड बनाने की तैयारी। 15 अगस्त 2022 को देश में पहला इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड शुरू होने की संभावना है। सरकार में तीनों सेनाओं को एक छत के नीचे लाकर बेहतर तालमेल के लिए नए थिएटर कमांड बना रही है। तो वहीं अग्निपथ योजना सेना के लिए सरकार की ये स्कीम है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।